मैं बना रही हूँ आलू मटर। ये मटर मैंने ये आलू मटर छील के रखा हुआ है। आजकल फ्रेश मटर बाजारों में काफ़ी सस्ते दाम में मटर आ रहे हैं, तो मैंने ये साथ में छिलके भी डाले हैं। छिलका क्योंकि आप ये सोचेंगे छिलका मतलब जो निकाल के ऐसे बिल्कुल, देखिए जो फ्रेश में होते हैं तो इसका बढ़िया होता है। भी मिक्स कर दिया मैंने दोनों, तो साथ में लिए मैंने आलू। आलू काट के मैंने पानी में डाल के रख दिया। ये पनीर मैंने बिल्कुल ये ग्रैंड टाइप ही होके बिल्कुल हाथ के साथ और कर दिया है, तो ये ग्रेवी के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ये पनीर मिक्स करूँगी मैं। तो टमाटर काट के रखा मैंने, बाकी मैंने ये प्याज मिर्च अदरक लहसुन तो ये खड़े मसाले, तो ये खड़े मसाला थोड़ा सा लिया, तेज पत्ता वगैरह, तो इसको बनाऊंगी मैं कुकर में। धनिए के साथ साथ ही मैं लहसुन डाल दूँगी जो पक रखा हुआ है, और डाल दूँगी मैं प्याज। साथ में ये दोनों इकट्ठे डाल दूँगी। इसके साथ मैं खड़े मसाले भी डाल दूँगी। खड़े मसाले मैंने पहले इसलिए नहीं डाले कि ये जल जाते एकदम से तेल में, तो अभी प्याज के साथ साथ धीरे धीरे इसको भून जाएंगे। हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं डालूंगी ये टमाटर। ये सारा मसाला अब मैं डाल दूंगी। ये मसाले लिए मैंने, ये कस्तूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये देखिए मिर्च, सॉरी ये गरम मसाला। इसको सारे इकट्ठे डाल दूंगी मैं इसको। अब मैं हमारे सब्जी टमाटर पक चुके हैं, अब मैं सब्जी में डाल दूंगी। साथ में आलू, पनीर जो है मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं इसको पका लूँगी कुकर ढक्कन लगा के, एक सीटी मारूँगी उसके बाद ये पनीर डालूँगी। गर्म पानी, पानी हमने डाल दिए, अब इसको हम एक सीटी लगाएंगे। हमारे एक से दो सीटी आ चुके हैं, अब मैं ये पनीर डाल दूंगी इसमें। अब इसमें ग्रेवी डालूंगी जितनी कर की जरूरत है। गर्म पानी है मेरे पास,